सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। इस वीडियो में हम लोग 22nd शिफ्ट 2 के एनालिसिस करने वाले, पेपर एनालिसिस करने वाले। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोग ने शिफ्ट 1 की एनालिसिस भी कर दी है ऑलरेडी। अभी क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आ रहे, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट हो रहे या नहीं, ये मेन डाउट आप सभी स्टूडेंट्स का मैं क्लियर कर दूंगा। अगर पीवाईक्यू करके गया तो फिर पूरे 50 क्वेश्चन मेरे सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में 50-50 क्वेश्चन मेरे सॉल्व होंगे या नहीं होंगे, ये भी डाउट इसी वीडियो में, इसी एनालिसिस में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, काफी सारे क्वेश्चन मिले हैं मुझे, सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो आई नो थोड़ा सा लेट हो गया अपलोड करने, बिकॉज यहाँ पे लाइट का इशू था, अभी तक लाइट नहीं थी, इसलिए जो है थोड़ा सा लेट वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बट कल से जो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं शाम में कल दोनों शिफ्ट के एक ही साथ एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, तो मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। ये जो एनालिसिस के क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, आपके कोई भी अपकमिंग शिफ्ट है, अपकमिंग शिफ्ट में आपके अगर एग्जाम है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे, केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस आए थे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखो। पहले जो है पहला क्वेश्चन था डेंसिटी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गया था। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सेकेंड जो क्वेश्चन था दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमैग्नेटिक। आपको एक क्वेश्चन आया था, आपको एलिमेंट्स दिए गए थे, एंड ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो डायमैग्नेटिक नहीं है। क्वेश्चन भी आपको ना अच्छे से रीड करना होता है। अब क्या होता है, स्टूडेंट यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डायमैग्नेटिक देख लेते हैं और पहला ऑप्शन डायमैग्नेटिक निकल जाता है, पहले उसको ही क्लिक करके आ जाते हो, टिक करके आ जाते हो। बट नॉट डायमैग्नेटिक बोला है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन भी रीड करने का है। देन फाइंड द मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल एग्जांपल का क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री जितना आप फॉर्मूला अगर पढ़ोगे, जितना आप फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन थे, जितने भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको कुछ लॉजिक, कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं थी, वैल्यूज दी गई थी, वैल्यूज जो थी वो क्वेश्चन में गिवन थी, बस वैल्यूज को यूज करके फॉर्मूला में आपको आंसर निकालना था। हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, हाफ लाइफ के ऊपर मॉर्निंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। उसी तरह देखो डेंसिटी के दो क्वेश्चन आए थे आज, और डेंसिटी का काफी इजी, मतलब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। अंडर रूट आपको 3 की वैल्यू पता होगी, तो आप सभी स्टूडेंट्स डायरेक्टली उसका आंसर सॉल्व कर सकते थे। फ्यूल सेल के ऊपर क्वेश्चन आए थे, फ्यूल सेल के ऊपर क्वेश्चन ऐसा था कि आपको बताना था कि फ्यूल सेल में ऐसे कौन कौन सी चीजें जो है वो यूज होती है। ठीक है, वहां पे आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें दी गई थी, आपको बताना था, आपको आइडेंटिफाई करना था कि फ्यूल सेल में क्या क्या चीजें यूज होती है। आप सभी स्टूडेंट्स वो फ्यूल सेल का डायग्राम जो है वो अच्छे से करके जाओ। और वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो जितने सेल्स है, ड्राई सेल, फ्यूल सेल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सेल, वो सब कुछ अच्छे से करके जाओ। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, जिसका आंसर था 0 ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए केमिकल काइनेटिक्स से। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मोलार कंडक्टिविटी, ये सुबह भी जो है क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट लिखा है। कायरलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इन लैंथेनाइट सीरीज, कौन सा एलिमेंट है जो है लैंथेनाइट सीरीज में नहीं है, वो आइडेंटिफाई करने को आया था। देन नंबर ऑफ द सराउंडेड आइटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो जो भी जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ ये काफी इजी थे, सुपर इजी गया केमिस्ट्री का पेपर। जितने लोगों से मेरी बात हुई, जो भी स्टूडेंट्स आए, मुझे कॉल किए, मैसेजेस शेयर किए, केमिस्ट्री वॉज सुपर इजी, यही पहला मैसेज था। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर भैया मैं पीवाईक्यूज करके जाऊँ तो उतना इनफ है क्या? यस, 100% इनफ है। अगर मैं फिजिक्स की मैं बात करूँ, फिजिक्स पूरा पीवाईक्यूज से रिपीट हुआ है, केमिस्ट्री पूरा पीवाईक्यू से रिपीट हुआ है। अगर आपने 2022-2023 वो स्टूडेंट जो है उसने स्कोर बूस्टर सॉल्व करके गया था, तो बोला भैया पूरे स्कोर बूस्टर में से ही सारे क्वेश्चंस मेरे को दिख रहे थे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, स्कोर बूस्टर की बुक उसने रेफर की थी, स्कोर बूस्टर के जो क्वेश्चंस थे उन्हें रेफर किया था। जो पीवाईक्यूज है वही सॉल्व करना है आपको, पीवाईक्यूज के अलावा कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। इसलिए हर वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, जो 2023 के जो क्वेश्चंस है आपको, 2023 के जो क्वेश्चंस है उसको आपको सॉल्व करना है। टोटल आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, 1800 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर ये 1800 क्वेश्चंस कर लिया ना आप इजीली, ये जो 150 क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में आने वाले, स्पेशली पीसीएम वाले, आपके शिफ्ट में जो 150 क्वेश्चंस आने वाले, ये 180 क्वेश्चन में के ही आपको इस 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। लाइक मॉडिफिकेशंस होंगे, थोड़े बहुत वैल्यूज चेंजेस होंगे, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आने वाले 150 क्वेश्चंस। आप वो 1800 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कह रहा था कि 2023 के पेपर को एज अ फुल लेंथ टेस्ट दो, उसके सॉल्यूशंस को देखो और उसको रेफर करो,
ये सारे पेपर्स जो है बूस्टर बैच में अवेलेबल है, वहां से आप इसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी यहाँ पे देख लो, आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, देन आईयूपीएसी आया था, उसके बाद रूट्स रिएक्शन आया था, एलआईएच रिएजेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, नेम रिएक्शंस भी आए थे, पूछे गए थे, देन नेक्स्ट जो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स के ऊपर आया था, देन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये सुबह भी यहाँ पे राइबोस पे पूछा गया था, और अभी यहाँ पे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के ऊपर पूछा गया, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडिशनल पॉलीमर, वो आपको फाइंड करना था, एडिशन पॉलीमर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे कोई तो रिएक्शन था, ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है, बट उसने यही बताया मेरे को कि ब्यूटेन को HCl के साथ रिएक्ट करना था, एंड OH ग्रुप जो है प्रोपेन में कहाँ जाके लगेगा, प्रोपेन बनाएंगे तो हम लोग OH ग्रुप की लोकेशन क्या रहेगी, वो आपको फाइंड करना था, उसको आपको टिक करना था ऑप्शन को। ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में अभी जैसे सुबह भी मैंने बताया 25 to 30 क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 to 30 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन थे, 25 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला याद है तो इतने क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, तो मैंने यही बताया था, जब भी आप फॉर्मूला पढ़ रहे हो, हर एक चैप्टर का जब फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो उसको एक फ्लो में याद रखो, ऑक्सीलेशन पढ़ रहे हो तो ऑक्सीलेशन को एक फ्लो में याद रखो, वहां पे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ LHSM याद रखो, फिर उसके बाद वहां पे स्पीड का डिस्टेंस, स्पीड की इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, और कहां पे एक्सट्रीम पे जो है वो मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी मिनिमम होती है कि मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद आता है आपको पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का, दोनों का रिलेशन हो गया, अब देखो उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा है, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन, लॉजिक गेट, ये सुबह रिपीट हुआ, सुबह भी आया था ये क्वेश्चन, लॉजिक गेट सेमीकंडक्टर में से, कोई भी चैप्टर छोड़ो मत। ठीक है, देखो इजी इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे, कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, अब यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अभी आपने सेमीकंडक्टर छोड़ दिया होगा तो जाओ डायरेक्टली लॉजिक गेट्स पढ़ लो, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, LCR सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आया था, ग्रेविटेशनल फोर्स पे आपको क्या बोला था कि रेडियस अगर डबल हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेकेंड ऑर्बिट में रेडियस क्या होता है वो आपको फाइंड करना था। तो ऐसे अगर ओवरऑल डिफिकल्टी की मैं बात करूं, ओवरऑल डिफिकल्टी फॉर केमिस्ट्री सुपर इजी था केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए बस सिर्फ टेक्स्ट बुक, ओनली टेक्स्ट बुक अगर फॉलो किया तो भी इनफ है, तभी भी आप जो है 45 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर टेक्स्ट बुक फॉलो किया तो। ठीक है, फिजिक्स जो था वो थोड़ा सा मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट भी बोल सकते हैं हम लोग, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट ही था, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप फॉर्मूला कर लेते हो, सारे फॉर्मूला, सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला कर लेते हो तो भी आप इजीली यहाँ पे 30 प्लस स्कोर कर सकते हो फिजिक्स में। ठीक है, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई, और ऐसे ही एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इसकी पीडीएफ जो है, सारी शिफ्ट की पेपर की एनालिसिस हम लोग करने वाले, और इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख देना। ठीक है, अगर कुछ आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर एनालिसिस के वीडियो में, थैंक यू सो मच।